नमनी साहब देखा 1:24। देखिए अभी महावीर मंदिर ठीक सामने है और जैसे कि आपको मालूम होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है अपनी यात्रा को लेकर दूसरी यात्रा करने आ रहे हैं, वहीं मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो भी यात्रा करने जा रहे हैं। उसी को लेकर आज जानते हैं आम लोगों की राय, क्या कहते हैं यहाँ पर आम लोग। पॉज कर दीजिए, पॉज रखिएगा अभी। सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यात्रा करने जा रहे हैं, दूसरी ये लगा दूसरी यात्रा है, किसने देखते हैं सर यात्रा? अपने अथी के लिए कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़ने के लिए और क्या। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा जो हवा हवाई यात्रा है। हवा हवाई कैसे है, जमीनी आदमी है तेजस्वी जी, हवा हवाई कैसे है? उनका जमीन है, इसी हवा हवाई बोल देने थोड़ी होगा, जमीनी नेता हैं। मंत्री गिरिराज सिंह भी सर यात्रा कर रहे हैं हिंदू को एकजुट करने के लिए, तो अलग बात है। मान लीजिए वो तो ऐसे भाषण देते रहते हैं हिंदू के प्रति, जो उनको मन में आता सो बोलते रहते हैं। क्या सर हिंदू का हिंदू एकजुट कर रहे हैं, मतलब हिंदू में अति हो गया क्या सर? कुछ नहीं, हिंदू एकजुट है, हिंदू अलग कहाँ है, सब एकजुट है हिंदू। यात्रा करना पड़ रहा है, यात्रा तो अपने फायदा के लिए कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से दूसरी बार यात्रा करने जा रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बढ़िया है उनका यात्रा, तो काफ़ी भीड़ रहती है उनके यात्रा में, उनका भाषण बढ़िया रहता है, अच्छा लग रहा है कर रहे हैं वो। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा हवा हवाई यात्रा है, विपक्ष का काम ये वही करना, विरोध तो करेंगे जो मन है उनका। गिरिराज सिंह भैया यात्रा पर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सब हिंदू एकजुट हो जाओ जी, उसको क्या कहना चाह रहे हैं? गिरिराज सिंह कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का कहना है जो वो सबको एकजुट करें तो होगा तब ना। तो क्या हिंदू एकजुट नहीं है क्या? जी बिल्कुल एकजुट है, तो उनको यात्रा करना पड़ रहा है जी? नहीं गलत हो, मतलब उनका उनका ऐसा सोचना है कि एकजुट नहीं है, लेकिन हिंदू एकजुट है। यहाँ विपक्ष मैंने कि आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह मंत्रालय मंत्री होने के बाद यात्रा कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, किसा देख रहे हैं जी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या नाम आपका जी? देवव्रत सावन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से दूसरी बार यात्रा करने जा रहे हैं, किसा देख रहे हैं आप? यात्रा तो कई बार कर चुके हैं, जनता का विश्वास अर्जित करें, सही तरीके से प्रशासन चलाएंगे ऐसा भरोसा जनता को हो तभी ना कोई वोट देगा। हाँ जी। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा हवा हो यात्रा है, विपक्ष का काम है, एनडीए वाले तो प्रशंसा करेंगे नहीं तेजस्वी यादव की। हाँ। अपनी अपनी राजनीति है। वहाँ मंत्री गिरिराज सिंह जो हैं वो भी यात्रा कर रहे हैं सभी हिंदू को एकजुट करने के लिए। दरअसल चुनाव आ रहा है 2025 में, विधानसभा का चुनाव होना है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है कि किसी प्रकार से जनता को लुभा करके। क्या हिंदू एकजुट नहीं है क्या? अभी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में जो है कुछ मतभेद चल रहे हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ। हमें ऐसा लग रहा है, मेरा बुद्धि जो कह रही है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन होंगे पाएंगे? मेरा अगर मत पूछेंगे तो मैं प्रशांत किशोर के साथ हूँ, जनता बदलाव चाहती है, नीतीश बहुत शासन कर लिया, अब उनको सम्मान पूर्वक हट जाना चाहिए। हाँ। और नए लोगों को मौका देना चाहिए। क्या नाम आपका सर? ये बताइए सर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है फिर से दूसरी बार यात्रा करने जा रहा है, किसको देख रहे हैं? कोई प्रभाव नहीं बिहार में, कोई प्रभाव बिहार में नहीं है। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा हवा यात्रा है। अब यात्रा करना तो उनको का काम है वही है, खेती बाड़ी वही है तो करेंगे नहीं, उपजे नहीं उपजे तो उनका काम। एनडीए वाले बोल रहे हैं जनता के लिए कुछ भाड़ा नहीं, एनडीए वाले बोल रहे हैं कि हवा यात्रा है, किसको देख रहे हैं? एनडीए वाला जो बोले विपक्षी है कुछ बोले भी करेंगे। हाँ सरकार किन्हीं का नहीं, सब महंगाई का माप को लोग ढाल रहा है, गरीब लोग मर रहा है, कोई किसी कल जनता के नीचे को देखने वाला नहीं। और वहीं देखिए गिरिराज सिंह मंत्री जो है वो भी यात्रा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह आज तक जीवन में क्या किए, अपने क्षेत्र को आज तक ये कब ईंटा जोड़े हैं? तो खाली एगो घोसला रखे हुए स्टार प्रचारक विरोधी कार्य सकते हैं, बोल रहे हैं कि सब हिंदू एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हिंदू एकजुट कहियो, हिंदू जब एकजुट हो जाएगा तो देश का यही हाल रहता, हिंदू को फोड़ के रखते तब तो उन लोग का राजनीति चलता है। तेजस्वी यादव फिर से यात्रा करने जा रहा है, किसको देख रहे हैं? किसको? तेजस्वी यादव को। अच्छा है लेते
तेसरी बार तो यात्रा फिर से दूसरी यात्रा करने जा रहे हैं। हाँ करने जा रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनेगा। उन्हीं सरकार बनेगा, उन्हीं की सरकार बनेगा। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा जो कर रहे हैं वो हवा यात्रा है। हवा है नहीं, जल्दी हवा है, टाइट हवा है आम जनता के लिए। छात्र नेता है, युवा नेता है, अच्छा सरकार चलाएंगे। यहाँ गिरिराज सिंह भी यात्रा करने जा रहे हैं। राज सिंह यात्रा करवे करेंगे, गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे हैं सब हिंदू को एकजुट करने के लिए। हिंदू मुस्लिम सबके लिए अच्छा है, सबके इकट्ठा करेंगे। वो गिरिराज सिंह भी यात्रा करने जा रहे हैं ना, गिरिराज सिंह करने सब इन करवे करते हैं गिरिराज सिंह। हाँ वो करने से क्या होने वाला है? आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री होकर। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा उनको, देना पड़ेगा उनको, इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा नहीं चला रहा है, अच्छा कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या काम अच्छा नहीं किए हैं? कोई काम अच्छा नहीं है, बाढ़ पीड़ित हुआ है, बाढ़ उसमें कुछ नहीं किए हैं। बाढ़ पीड़ित अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, कोई सुविधा नहीं दिए है आम जनता के। दिन से ये यात्रा करने जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एनडीए वाले बोल रहे हैं कि ये हवा हवा यात्रा है। नहीं हवा हवाई नहीं है, हवा नहीं है, नहीं है। यहाँ गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो भी यात्रा करने जा रहे हैं। मंत्री के करने से क्या होगा, वो अच्छा थोड़ी काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह मंत्री भी यात्रा करेंगे और कह रहे हैं कि सभी हिंदू एकजुट हो जाओ। उनको कहने से तेजस्वी जो कहेंगे वो होगा। सभी हिंदू एकजुट नहीं है क्या, यात्रा करना पड़ रहा है उनको? उनको उनके समझ में नहीं है हिंदू एकजुट है कि नहीं है। हम लोग को तो समझ में है, नहीं है उनको समझ में नहीं है तब न कर रहे हैं। मैं क्या समझ, देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से दूसरी बार यात्रा पर जा रहा है, किस देख रहे हैं सर इनको? देखिए इस पे हम कमेंट, आई हेट द पॉलिटिक्स, आई नेवर कमेंट। कुछ तो बोलिएगा ना, तेजस्वी यादव जो यात्रा पर जा रहा है तो अच्छा है या गलत है? नहीं देखिए, अकॉर्डिंग टू मी तेजस्वी यादव इज अ गुड लीडर ऑफ बिहार। और इनके लिए देखा जाए तो अभी इनको एक बार सीएम पद के लिए लाना चाहिए, इसलिए लाना चाहिए कि एक तो होनहार हैं और दूसरी बात है कि इनको वैकेंसी के तौर पे, युवा रोजगार के तौर पे ये अच्छे नेता हैं बिहार के। अभी तक जो भी टीचर का वैकेंसी या किसी भी क्षेत्र में जो भी वैकेंसी आ रहा, एनडीए वाले बोल रहे हैं कि यात्रा जो हवा यात्रा है। नहीं उनका भी तो सरकार था, नीतीश कुमार उनके साथ भी थे, तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि भाई वो भी तो निकाल सकते थे ना, 4-4.5 लाख वैकेंसी जो भी इनके साया हो। ऐसा तो उनके रीजन में हुआ नहीं, तेजस्वी जी के ही रीजन में हुआ। मुद्दा जो भी हो, सीएम वही सीएम नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन तेजस्वी यात्रा पर एनडीए जो है बोल रहे हैं कि यात्रा जो हवा यात्रा है उस पर क्या किस तरह देख रहे हैं? नहीं कोई आज के डेट में हवा यात्रा नहीं होता है, सब अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं। 2025 के चुनाव को नज़र रखते हुए इस बार मेरे हिसाब से तेजस्वी प्रसाद ही आने चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। महागठबंधन जिंदाबाद। अच्छा गिरिराज सिंह मंत्री जो हैं वो भी यात्रा कर रहे हैं सब हिंदू को एकजुट करने के लिए। देखिए भारत एक ऐसा देश है, वो सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, भारत सभी जातियों सभी वर्ग का देश है, ठीक है। और इसलिए हिंदू की राजनीति नहीं करे, कृपया गिरिराज सिंह से मैं अनुरोध करता हूँ कि हिंदू की राजनीति वो ना करे, और उनको राजनीति हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए करना चाहिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए। उसको किस तरह देख रहे हैं? गिरिराज सिंह जी जो सुशासन की जो सरकार है अभी वर्तमान में जो चल रही है यहाँ से लेकर के और भारत सरकार, और उस सरकार का जो इम्पैक्ट है पूरे बिहार में उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आम लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए जा रहे हैं कि अभी जो केंद्र की सरकार है वो आपकी सहजता सरलता के लिए, आपके विकास के लिए तत्पर है, और उसी को उनको ग्राउंड जीरो पे देखना है कि जो भारत सरकार जो कर रही है वो कितना हद तक उसमें सफल देना चाहिए। और कौन आरजेडी वाला बोल रहा है? चोर लुटेरा जो चारा खा गया, जिसका बाप जेल में है, सजा आपता है, बेल पर है, ईडी जेल जाएगा, ईडी का नोटिस हो गया, अभी बेल पर छूटा है एक हफ्ता पहले। ये लोग क्या बिहार को नेतृत्व करेंगे? बिहार को ये लोग रसातल पर ले के चले जाएंगे।